इस समय आप देख रहे हैं YouTube TV। आज इंडियन नेशनल लोकदल जिला भिवानी इकाई का नगर परिषद भिवानी द्वारा जो भ्रष्टाचार का घोटाला हुआ है उसके विरोध में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और इंडियन नेशनल लोकदल आज भ्रष्टाचार का और सरकार का संयुक्त रूप से पुतला दहन भी करेगी। और इसकी वजह यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतागण लोगों से आवाम से कहते थे कि पार्टी विद डिफरेंस, हम दूसरे लोगों से जुदा हैं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम हुई है नित नए घोटाले होते हैं, नित नए रोज भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड बनाते हैं और तोड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम होने के बाद में हरियाणा प्रदेश में दवाई घोटाला हुआ, धान खरीद घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, नौकरियों में घोटाला हुआ, रजिस्ट्री घोटाला हुआ और पिछले दिनों जो सरकारी अफसरान की नियुक्ति करते हैं उनका एक अधिकारी नागर नाम का था वो गिरफ्तार हुआ सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के वजह में भ्रष्टाचार फैलाने के जुर्म में। और तो और सीएम सिटी में नगर योजनाकार अधिकारी करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा गया, तहसीलदार पकड़ा गया और पिछले दिनों भिवानी जिले के डाडम क्षेत्र में खनन घोटाला हुआ, 600-700 फीट तक गहराई तक खनन किया गया, सभी को दिखाई देता है और वो सिलसिला चलता हुआ। अब नगर परिषद भिवानी का घोटाला सबके सामने जग जाहिर है जिस तरह से घटित हुआ है और जिस तरह से सरकार इस घोटाले की कार्रवाई को कर रही है उसमें बड़ा शक और संशय पैदा होता है। मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, जिनका नाम आरोपित लोगों में आता है उनके बड़े भाई पुलिस के एक अधिकारी हैं, उसके बावजूद इतना समय होने के बावजूद कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही और सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही। इंडियन नेशनल लोकदल मांग करती है कि नगर परिषद भिवानी के घोटाले की जांच किसी उच्च स्तरीय जांच एजेंसी से करवानी चाहिए जो सक्षम हो और जिसकी प्रतिष्ठा ईमानदारी की हो। आज जो भिवानी को लूट के जो कमेटी के लोग खा गए उसके विरोध प्रदर्शन भिवानी इकाई की जो भी टीम है पूरी की पूरी आज यह नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर हांसी गेट पर सरकार का पुतला फूकने का काम करेंगे। और जहां तक बात है इंडियन नेशनल लोकदल के व्यक्ति कौन कौन आएंगे, जो व्यक्ति आज शहर में रह रहे हैं, जिन व्यक्तियों को ये पता है कि आज लूट मची है, वो आज सरकार के खिलाफ अपना नाराजगी जाहिर करेंगे और सरकार का पुतला फूकेंगे। दबी जुबान में ये कहा जा रहा है कि जिस पर आरोप लग रहे हैं उसने उस मुकाम तक पहुंचने के लिए पहले बहुत कुछ त्याग किया है, बहुत कुछ खर्च किया है, तो कवर तो करेगा। इस मापदंड को आप कितना उचित मानते हैं? ये मापदंड तो जब इनकी इंक्वायरी होगी जब पता लगेगा, लेकिन मैं आपकी बात को एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। ये लूट जो है जिस दिन नगर परिषद के चेयरमैन की कुर्सी देने के लिए जो पूर्व मंत्री यहाँ आए थे, जो यहाँ के MP हैं, जो यहाँ के MLA हैं, उन्होंने मौजूदा पार्षदों की भी अनदेखी की, मौजूदा पार्षद उस हॉल से बाहर खड़े रहे और इन्होंने सरेआम सब कुछ ताक पर रख के चेयरमैन बनाने का काम किया। ये लूट जो है उसी दिन से शुरू है। कौन कितने हिस्से में है, कौन क्या पूर्ति करना चाहता है, किसने क्या पहले खर्च किया, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को और सोशल मीडिया के जितने भी चैनल हैं उनको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने पुरजोर से जो भी छोटी मोटी या जो जिस प्रकार की बड़ी घटनाएं हैं जो इस प्रदेश सरकार में हो रही है उनको आप पूर्ण रूप से अच्छी ढंग से उठाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। और आपने कहा इनेलो तो इसी पर नहीं, इनेलो तो जब जब भी सत्ता में होती है तो लोगों के लिए हित के काम करती है और जब विपक्ष में होती है तो विपक्ष में जो भी प्रदेश में सरकार होती है उसका खूबी से बखान करके उनका लोगों के हित की बात करती है। आपने देखा होगा हमारे नेता चौधरी अभय सिंह जी चौटाला एकमात्र MLA होते हुए भी कांग्रेस हालांकि विपक्ष की नेता है मगर फिर भी
पूरे हरियाणा प्रदेश में जब भी सेशन होता है, जो भी बात होती है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ही बारीकी से लोगों के हित की बात करते हैं और सरकार की बोलती बंद कर देते हैं। आज ताज़ा जो घोटाला है, जैसे कि हमारे जिला प्रधान रवि महमिया जी ने बताया, आज का नहीं है, किसी भी भिवानी हरियाणा प्रदेश के किसी भी जिले में किसी भी कोने में चले जाओ, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा दिया, तो आप भी देख रहे कि रोजाना कितने भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है, जो इनको मंथली नहीं देते उनको ये पकड़ लेते हैं, नहीं तो इसी प्रकार से पूरे प्रदेश के अंदर पूरा चरम सीमा पर भ्रष्टाचार चल रहा है और सारा कमीशन ऊपर लेवल तक जाता है। और कह रहे हैं कि ये एजेंसी सबके दायरे में नहीं है, जानबूझ के प्रदेश के मुखिया इसको सुलझाना नहीं चाहते। कितनी बार धान घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में उठाया है, मगर आज तक उन पर कोई जांच नहीं किसी प्रकार से। तो इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से और जनता से भी कि आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और सरकार पर दबाव बढ़ाएं और CBI से कम ये इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कौन देवता इसमें संलिप्त है कौन नहीं है। अमर रहे। ये तो भाई साहब ज्यादा तो बोलना को नहीं आवा, मन ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और चौधरी देवीलाल ने जो पार्टी खड़ी करी थी वो हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इनके खिलाफ जो भी मैं तो भुगत भोगी हूँ। इनमें बहुत बड़ी ऊंच स्तरीय जो नेता हैं, जैसे मनीष ग्रोवर, संजय भाटिया जो सांसद है करनाल से, 4 दिन उरा रखा प्रभारी इलेक्शन का, नगर परिषद का। अरे ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, उरा तो सब क्यों सौदाए खत्म से। राम कुमार गौतम ने कौन कहा था सौदाए कौन, तो वो है, ये है साहब। देखो MP MLA MC जो चुने हुए हैं, अगर आवाज़ नहीं उठाओगे ना तो वह दोषी हैं। आपको हमारे जितने भी नेता लोग हैं उन लोगों ने आपको बड़े विस्तार से बताया। आज हिंदुस्तान में ये जो भारतीय जनता पार्टी है इतनी बदनाम हो चुकी है भाई साहब, हर सिस्टम को लेके आज पूरा देश का विश्वास इन लोगों से उठ चुका है। कांग्रेस ने 17 साल में लूटा, इन्होंने 7 साल में बराबर कर दिया। इतने बड़े भ्रष्टाचारी आदमी दुनिया में पैदा नहीं हो सकते, न ये किसी पर विश्वास करते हैं, रोज़ झूठ पर झूठ, रोज़ नए नए ड्रामे, बल्कि दुनिया का विश्वास इन पर उठ चुका है मैं आपको बताऊं। और ये अगर 2024 में आ भी गए तो हिंदुस्तान में दोबारा चुनाव नहीं होगा, ये तानाशाही बनेगा भाई साहब, ये देश बर्बाद होना है। आज सारा देश को, हर एजेंसी को इन्होंने जो है ना अपने काबू में कर लिया, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे CBI हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे ED CD, क्या बताऊँ, जो भी किसी को कोई तंग करना हो उसके पीछे सारी चीज़ लगा देते हैं ये लोग। इन लोगों ने अखबार को, TV को जिस ढंग से हैंग किया आप लोग अच्छी तरह जानते हो, जो इन्होंने बिहार में जो नंगा नाच किया, उत्तर प्रदेश में किया, आपको सब पता है। बल्कि इनका विश्वास उठ चुका है चुनाव पर लोगों का कि ये कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा, इन भ्रष्टाचारियों का इनको कोई परवाह नहीं है। आज ये हमारे PTI लोग जितने भी बेचारे आज कितने साल से लगातार दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आंगनबाड़ी की हमारी बहनें रोज़ जुलूस निकालती, कोई परवाह नहीं, सरकार आँखें मीच रही है। तो इन्होंने तो हिटलर बड़ा काम कर रखा है भाई साहब, जनता दर दर की ठोकर खा रही है। आज पूरी हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी अम्बानी को बड़े 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 व्यापार उनको दे दिया है। देश में आज हर चीज़, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना हो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, गैस ले लो। और नौकरियां नहीं छोड़ी इन लोगों ने, 2-2 करोड़ की बात करते थे हर साल ये लोग, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की ये लोग बात करते थे, बड़ी बड़ी किसानों की मसीहा बनने की बात करते थे ये लोग। इतने भ्रष्टाचारी आदमी सारी कभी दुनिया में आए नहीं, और ये अपना रिकॉर्ड रवि जी कहते थे खुद बनाते हैं, खुद ही तोड़ते हैं। हमारा नेता अभय सिंह चौटाला आप जानते हो कितनी ज़बरदस्त ढंग से पैरवी करता है, आज हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में आप लोग रोज़ देखते हो, इनके ऊपर कोई रेंग जू नहीं रेंगती, ऐसा हाल इन लोगों ने कर रखा है। और अभय सिंह चौटाला एक ऐसा आदमी जो हिंदुस्तान का, जिसने ऐसा काम करके दिखाया किसानों के लिए, हर चीज़ के लिए, जो ऐसा कोई कर नहीं सकता। और विधानसभा में तो आप देखते हो एक ही नेता, और 88 89 एक तरफ और एक नेता एक तरफ, जो हरियाणा की हर बात की आवाज़
उठाने में सक्षम है, यही बात मैं आपको कहना चाहता था। धन्यवाद सर। आज ये पुतला दहन है, ये छोटी काशी को बचाने के लिए किया गया प्रयास है, क्योंकि पिछले 5 साल में नगर परिषद ने जो घोटाले हुए बीजेपी सरकार का, उसमें पूरा हाथ है। जितने भी पार्षद 31 वार्ड थे, 31 के 31 वार्डों में जो काम हुआ उनका कमीशन, वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ और पूरे का पूरा घोटाला अपनी जेबों में गया। और जो आज शिकायत करता है वो भी कोई दूध के दूल्हे नहीं है, क्योंकि इनकी तो आदत है पहले खाओ अगले को फंसाओ। बीजेपी का तो एक पुराना है, जो भी इसके चंगुल में आया उसका सत्यानाश। तो रण सिंह भी उसी कड़ी में शामिल है, क्योंकि रण सिंह ने जो भी जितना भ्रष्टाचार किया, क्या उसको पता नहीं? अगर मुखिया को ही नहीं पता तेरे घर में क्या है, तेरे घर से कौन चोरी कर रहा है, तो फिर उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था पहले ही। ऐसा है, आज जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता है, वरिष्ठ नेतागण है, सबकी तरफ से आज पुतला दहन किया जा रहा है। और ये जेजेपी और बीजेपी जो भ्रष्ट सरकार है उसके जो कारनामे, काले कारनामे हैं, वो जनता के सामने आ रहे हैं। हमारे भिवानी शहर में लगभग 300 करोड़ का घोटाला हुआ है नगर परिषद में, और इसके जो मुख्य हमारे चेयरमैन हैं श्री रण सिंह यादव और उप चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ जो पार्षद, उनमें पार्षदों में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो रोल है ही है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इसकी CBI जांच हो और जिस जिसने इस घोटाले में की मलाई खाई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जनता के जो खून पसीने की कमाई है वो जनता के तक पहुँचे वापस। और जो जनता ने जो आवाज़ उठाई है, आज आपने देखा है कि टोटली सारा भिवानी एक ही आवाज़ उठा रहा है कि इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस को, प्रशासन को या हमारे जो सरकार है, मुख्यमंत्री है, सबको इसके खिलाफ संज्ञान लेना चाहिए और उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि लोगों का न्याय पर विश्वास जमे और जो आम आदमी है वो ये जान सके कि कोई भी संघर्ष अगर हम करते हैं तो वो रंग जरूर लाता है। और आज आपने देखा है कि भिवानी का जन जन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो जन संगठन है चाहे पॉलिटिकल पार्टीज है। तो इसके लिए जो हमारी नगर परिषद के चेयरमैन है या जो भी इसमें शामिल लोग हैं, उन सब के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो इंडियन नेशनल लोकदल ने भिवानी में जो आज पुतला फूंकने का प्रोग्राम किया है, इसका मेन मकसद ये है कि आज हरियाणा प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, आज इस हरियाणा प्रदेश को लूट के खा रही है। अधिकारियों ने और मंत्रियों ने मिलके आज हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं। और कोई भी बोलने वाला नहीं है, चाहे ये भिवानी की मिनी सरकार हो चाहे हरियाणा विधानसभा हो। हरियाणा विधानसभा में भी चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जिन्हें बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि एक बात आप बताइए, आपने पिछले दिनों तहसीलदारों को, अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करी, उनको सस्पेंड किया, उसके बाद आप उन्होंने फिर बहाल किया। तो सस्पेंड किया फिर बहाल किया, मुकदमा या तो FIR दर्ज करी तो वो गलत दर्ज करी, और FIR दर्ज जो हुई वो सही थी तो फिर उनको बहाल क्यों गया? आज पूरे हरियाणा प्रदेश में चाहे भिवानी हो, बाडड़ा हो, झोजू ब्लॉक हो, करनाल CMCT हो, पूरे हरियाणा प्रदेश में अधिकारियों ने एक लूट मचा रखी है। और ये अधिकारियों की सेप, ये मंत्रियों की सेप, मुख्यमंत्रियों के जो अजीज है उनको हर महीने मंथली दी जाती है। अधिकारी इस जनता की गाड़ी खून पसीने के कमाई को लेकर के और इन अधिकारियों के माध्यम से इस सरकार के वजीरों के पास पूछ रही है। तो हम आज इस पुतले के माध्यम से इस इंडियन नेशनल लोकदल भिवानी की ये इकाई एक ये मैसेज देना चाहती है कि या तो जो भिवानी में भी जो भ्रष्टाचार हुआ, मैं पहले भी समय समय पर जब हमारी मीटिंगें होती थी मैं बार बार मुद्दा उठाता था, अगर भिवानी नगर परिषद की जांच की जाए तो हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। आज वो सभी के सामने भी आया है, इसलिए आज ये भिवानी में नहीं, इंडियन नेशनल लोकदल पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिला हेडक्वार्टर पे लेकर के और आखिर में विधानसभा तक का घेराव करेगी। नहीं तो जो भी दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी जाँच करके और उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अगर नगर परिषद का कोई मुखिया है और उसको ये नहीं पता हो तेरी नगर परिषद में क्या हो रहा, बड़ी हैरानी की बात है। और रही बात शर्म की और हैरानी की, आज छोटी काशी का ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, आज ये जनता हर नागरिक उस भ्रष्टाचार का शिकार हो चुका है। इसलिए भिवानी जो छोटी काशी उसका हर नागरिक जाग चुका है, हर नागरिक इससे परेशान है और इससे जो है ना हर प्रभावित है। इसलिए ये आंदोलन एक जन आंदोलन बनके, ये किसी पार्टी का आंदोलन नहीं, आज भी नगर परिषद का घेराव कई संगठनों ने कर रखा है, वहाँ से भी मेरे पास उनका निमंत्रण आया है, भाई आप जल्दी पहुँचो, हमने भी यहाँ। तो आज जगह जगह आज ये हालात क्यों हो गए, आज हर कोई संगठन है, कोई भी आदमी, आम आदमी जो है ना जनता जो है ना रोड ऊपर आ चुकी है। इसलिए मैं तो इस सरकार के मुखिया जो खट्टर साहब को कहता हूँ और उन बीजेपी के लोगों को जो स्थानीय निवासी जो नेता हैं उनको भी एक बात कहता हूँ, या तो रोड पर आकर के या मीडिया के सामने स्थिति स्पष्ट करे, अन्यथा ये भिवानी की जनता उनकी भी सहमति समझेंगे। और आने वाले चुनाव में मैं तो एक बात और कहता हूँ इस भिवानी की जनता को, अगर कोई बीजेपी का उम्मीदवार बनके, चाहे कोई एमसी और चाहे कोई चेयरमैन हो, उसको किसी वार्ड में मत घुसने दे और उसका जाति बहिष्कार भी करो, मैं तो ये भी कहता हूँ। हम विधायक जी को ये नहीं कहते आप भ्रष्टाचार में सम्मिलित हो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं भिवानी की जनता का नेतृत्व करते हैं, उन्होंने एक बार बयान देकर के ये कहना चाहिए और मुख्यमंत्री को विज्ञापन देना चाहिए, लिखित रूप में देना चाहिए। अगर मेरी भिवानी में, क्योंकि मैं वहाँ का नेतृत्व कर रहा हूँ, इसलिए मेरी जिम्मेवारी बनती है, यहाँ जो भी भ्रष्टाचार हुआ अगर नहीं है तो वो तो क्लियर हो जाएगी जाँच में, जिसका भी हम आज किसी को दोषी नहीं बता रहे, हम ये कहते हैं इसकी निष्पक्ष जांच हो, जांच में अपने आप दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। इसमें एमएलए सम्मिलित है या कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कौन सम्मिलित है, सारे के सारे सामने आ जाएंगे। सरकार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।
Thank you.